नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के अगले वीडियो पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचि रूंटा और आज हम फिर एक बार निफ्टी पर एक ब्रॉड व्यू आउटलुक डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसपे एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आप सब फोकस कर सकते हैं। तो निफ्टी फाइनली 16,800 के नीचे है। 16,800 का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे हम सब ट्रैक कर रहे थे, उसको फाइनली लास्ट वीक निफ्टी ने ब्रेक किया। रीजन क्या था? रशिया और यूक्रेन में जो जंग छिड़ी है उसके कारण वो एक ट्रिगर पॉइंट था मार्केट में दोस्तों, जिसके कारण ये लेवल टूटा है। बट ऑनेस्टली अगर अपने बात करें तो हम इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे, बिकॉज हम पहले से ही जानते थे ये कि ये एक ट्रेंड मेक और ब्रेक लेवल है, कि एक फ्रेश ट्रेंड इसके नीचे स्टार्ट होगा और ऊपर में भी हमने एक लेवल आइडेंटिफाई किया था। सो वॉट नेक्स्ट? फ्राइडे के मार्केट में हमने फिर एक पुल बैक देखा था, तो क्या मार्केट उसको एक टेस्ट करके 16,800 एक फॉल्स ब्रेक था और वापस रिवर्स कर गया है, कि क्या ये एक सिंपल रिलीफ रैली है, क्या एक ही सिंपल पुल बैक है जिसके बाद वापस मार्केट फिर नीचे आ सकता है? तो इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ मैक्रो फैक्टर्स जो कि मार्केट पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स इक्विटी मार्केट से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है, और डॉलर इंडेक्स में हम कंटिन्यूसली तेजी देख रहे हैं। करेंटली 97 लेवल्स पे है, जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसे देख के हम ये बोल सकते हैं कि 100 लेवल्स डॉलर इंडेक्स टच कर सकता है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर द इक्विटी। क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। वॉर की अगर हम बात करें तो वॉर बहुत ही न्यूज ड्रिवन एक इवेंट है, और जिसे बिकॉज इट इज न्यूज ड्रिवन, इंडिया विक्स लेवल्स और ओवरऑल विक्स लेवल्स क्या है वो काफी ऊपर है, काफी एक अपने रेंज को तोड़ के हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी गुड, बट करेंटली ओवरसोल्ड लेवल्स पे एक पुल बैक यूएस मार्केट्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में हमें यूपी इलेक्शंस पे भी ध्यान रखना है, 10th को उसका अगर रिजल्ट आता है तो दैट विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट इवेंट टू ट्रिगर एनी मेजर मूव इन द मार्केट्स। सो ओवरऑल द अंडरलाइंग वोलेटिलिटी इज हियर टू स्टे मार्केट्स में, एंड एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंपॉर्टेंट लेवल्स इज समथिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन। तो चलिए एक बार चार्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस रेंज को हमने काफ़ी दिन से ड्रॉ कर रखा है और इसको डिस्कस कर रहे हैं, और फाइनली ये 16,800 ब्रेक करके मार्केट 200 DMA के नीचे क्लोजिंग भी दिया था। अगर इस पैटर्न का बात करें, हमने इस पैटर्न को भी ड्रॉ किया था, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसका टारगेट हमें 15,430 आता है, विच इज़ अ मीडियम टर्म टारगेट ऑब्वियसली। तो वॉट नेक्स्ट? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? हाँ जा सकता है, पुल बैक हो सकती है। पुल बैक में कौन सा लेवल हमें ध्यान देना है? ऑब्वियसली 16,800 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। फर्स्ट रेजिस्टेंस 16,800 होगा, सो एनी क्लोजिंग अबव 16,800 विल ओनली गिव एन एज टू द बुल्स। सेकेंड लेवल्स टू ट्रैक फॉर ऑन द अपर साइड विल बी 17,100। नाउ कमिंग बैक टू द डाउन साइड, डाउन साइड में फर्स्ट लेवल जो हम ट्रैक करेंगे मार्केट पे, जहां हम सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट एक कंसोलिडेट कर सकता है, एक रेंज में मूव करेगा, वो है 15,900 से 16,000 का लेवल्स। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है एंड वी एक्सपेक्ट कि मार्केट ब्रॉडली ये 16,000 and 16,800 के बीच में पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। फर्दर ऑन द हाइंड साइड बेस्ड ऑन द टारगेट एंड दिस प्राइस 15,400 वुड बी द लोअर साइड विच वी कैन एक्सपेक्ट। तो दिस वॉज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑन द निफ्टी। नाउ एज अ ट्रेडर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपको क्या करना चाहिए? तो आज इस वीडियो पे हम कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि जिनका अंडरलाइन फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ओवरऑल मीडियम टर्म्स चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो वो अगर मार्केट में हमें नीचे लेवल्स पे मिलता है तो कुछ वहाँ उन लेवल्स पे हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और कुछ वीक स्ट्रक्चर्स का भी बात करेंगे कि अगर मार्केट जैसे बाउंस बैक देते हैं, वी गेट लेवल्स लाइक 16,800, 17,100, तो वहाँ उन स्टॉक्स को बेच के काम कर सकते हैं, या अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो स्टॉक्स है तो उन पे एक एग्जिट देख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज मीडियम टर्म स्ट्रक्चर उन स्टॉक्स का कुछ वीक हो गया है।